मोरम जो कचरा या मिट्टी भरी हुई है, अगर इसको हम सफ़ा नहीं करेंगे तो भी ये पानी नहीं देगा और खुर खुर चलता रहेगा और आपको ठंडी हवा नहीं मिलने वाली है। अब इसको सफ़ा कैसे करना है, कोई भी ब्रश ले लेना है, हम ये खर्रे से सफ़ा कर देते हैं। इधर दिखाइए ज़रा, इसको यहीं पे इसी पानी में धो डालना है। जितना मोटर को आप साफ़ रखेंगे उतना ही अच्छा पानी देगी। और पानी को बहुत ज़रूरी है सफ़ा करना, दो चार दिन में पूरे कूलर का पानी बदलना ज़रूरी है, नहीं तो आपको बदबू मारने लगेगा। अब बदबू मारेगा तो फिर पूरा कमरा गंदा आने लगेगा, पूरे कमरे में बदबू आने लगेगी। बहुत सारे कूलरों में आपने किसी के घर में जाते हैं, हम भी जाते हैं, जैसे ही कूलर चालू करते हैं तो अजीब तरह की वहाँ बास आती है। तो बास आने का कारण ये है कि पानी नहीं बदलते हैं और सफाई नहीं रखते हैं, इसके कारण जो है गंदा आती है। तो आप अगर बढ़िया स्वच्छ हवा, शुद्ध हवा, ठंडी हवा चाहते हैं तो कूलर के जितनी सारी बातें मैंने बताई है उन बातों का खास ध्यान रखना है और साफ़ सफाई पूरी तरह से कूलर की रखनी है। अब आप देख सकते हैं ये मोटर को हमने सफ़ा कर दिया है, पूरी तरह नया जैसा हो गया है। अब देखना आप, ये पानी भी अच्छा उठाएगा और ठंडी हवा भी देगा, क्योंकि गर्मी में कूलर अगर ठंडी हवा नहीं दे रहा है तो फिर आदमी परेशान हो जाता है कि कूलर भी ठंडी हवा नहीं दे रहा है, कहाँ से ठंडी हवा देगा। जब आप उसकी सफाई नहीं करेंगे, मोटर जाम पड़ा है, घास भीग नहीं रही है, तो कहाँ से ठंडी हवा मिलेगी। देखिए इसकी पूरी जाली जाम हो गई थी तो पानी ही निकल जा रहा था अंदर, अब ये सफ़ा हो गया है। इसीलिए पानी को सफ़ा करना है, बदल देना है, खास बातों का ध्यान रखना है। क्योंकि दोस्तों कोई भी वस्तु अगर लाते हैं तो उसका ध्यान रखना भी ज़रूरी है। हम रोज़ खाते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, कपड़ा धोते हैं, सब कुछ करते हैं, ऐसा कोई चीज़ रहती है तो उसका भी ध्यान रखना पड़ता है, मेंटेनेंस का। अगर उसका ध्यान नहीं रखेंगे तो वो भी ख़राब हो जाएगी। अब आप देख सकते हैं ये मोटर का ढक्कन नक्कन हमने सब पूरी तरह से सफ़ा कर दिया है, इसको लगा देते हैं, इसको डाल देते हैं इसी में ऐसा। और पानी के अंदर मोटर आपका डूबा होना चाहिए, पानी का भी खास ध्यान रखना है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि पानी ख़त्म हो जाता है, टुल्लू मोटर सूखा चलता रहता है, तो उसमें भी आपका मोटर ख़राब हो जाएगा, क्योंकि पानी का मोटर है तो उसको पानी चाहिए। तो पानी का भी खास ध्यान रखें कि पानी में आपका मोटर डूबा हुआ होना चाहिए, तभी वो पूरी तरह से पानी फुल देगा और पूरी घास भीगेगी तो आपको ठंडी हवा मिलेगी। तो दोस्तों इस तरह से जो है आप अपने कूलर को अच्छा रख सकते हैं, ना आपका कूलर बदबू भी नहीं देगा और ठंडी हवा भी देगा और आवाज़ भी नहीं मारेगा। तो ख़ास बातें ये थी कि कूलर आवाज़ क्यों मारता है, बदबू क्यों देता है और पानी क्यों नहीं चढ़ता है, ठंडी हवा क्यों नहीं देता है। यही बहुत सारी बातें हैं जो इस कूलर की प्रॉब्लम होती हैं, इन बातों को आपको ध्यान रखना है और जैसा आपको बताया है वैसा करेंगे तो आपका भी कूलर अच्छे से चलेगा। और ये मिस्त्री को भी बुलाने की ज़रूरत नहीं है, आप हमारा वीडियो देख के भी ये सारे काम कर सकते हैं। पर एक बात का खास ध्यान रखना है, जैसे हमने चालू लाइट में हर चीज़ करके दिखाई है ऐसा काम आपको नहीं करना है, क्योंकि पानी का है, कहीं से भी आपका कूलर अगर करंट मार रहा है तो आपको करंट भी लग सकता है। तो रिस्क वाला काम ना करें, सबसे पहले आप जो है प्लग है लाइट वो निकाल दें, पूरी तरह से डिस्कनेक्ट कर दें, इसके बाद में आप कुछ भी उसकी साफ़ सफाई सब कुछ करने के बाद और फिर इसके बाद इसको फिट करके फिर चलाएं। हो सके तो 15 दिन या एक महीने में ये कूलर का पूरा ढक्कन, ये पूरा सेट निकाल के, अगर कभी हम निकालेंगे तो उसका वीडियो भी आपको दिखाएंगे कैसे इसको खोलना है। तो ये सब निकाल के इसको थोड़ा सा एक लकड़ी से हल्के हल्के मार देंगे तो ये सब जो है ये झड़ जाएगा और जाली आपकी क्लियर हो जाएगी। और नहीं तो ज़्यादा अगर काट इस तरह जम गया है तो घास आप नहीं डाल देंगे तो फिर एकदम नया जैसा कूलर हो जाएगा और हवा एकदम आपको ठंडी मिलेगी। वैसे तो हर साल घास बदल देनी चाहिए पर बहुत सारे लोग दो दो चार चार साल जो है ये घास को नहीं बदलते हैं। तो इस तरह से आप अपने कूलर को अच्छा रख सकते हैं और ठंडी हवा ले सकते हैं। अगले वीडियो तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।